बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, दिस इज़ ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश फॉर क्लास सिक्स। वी हैव यूनिट नंबर 3 विद पार्ट नंबर 2 ऑन पेज नंबर 20। ऑन पेज नंबर 20 वी हैव आवर थर्ड पार्ट टेक्स्ट नंबर 3। लिविंग इन अ गेर इन मंगोलिया। अ गेर इज़ अ सर्कुलर टेंट, एक सर्कुलर यानी कि गोलाई की शक्ल का एक टेंट होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। इट इज़ वेरी लार्ज, बहुत बड़ा होता है, बट लाइट वेट वुडन स्ट्रक्चर कवर्ड इन एनिमल स्किन एंड फेल्ट, अ थिक मटीरियल मेड फ्रॉम वूल। और ये बहुत ही लाइट वेट का वुडन का बना होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मतलब कि वुडन का होता है, लाइट वेट, और इसको एनिमल की स्किन से ढांपा होता है और महसूस ऐसे होता है कि एक थिक मटीरियल से, वूल के थिक मटीरियल से बनाया गया। एट द अपेक्स इट इज़ अ स्मोक होल, और इसके बिल्कुल सेंटर में, अपेक्स में, दरमियान में एक स्मोक होल है जिससे मतलब धुआं वगैरह बाहर निकाला जाता है। फ्रॉम विच रेडिएट द रूफ स्पोर्ट्स, जो और जिससे रूफ को या छत को भी एक स्पोर्ट दी जाती है। दीज आर पेंटेड ऑरेंज टू रिप्रेजेंट द रेज ऑफ द सन, और इनको तकरीबन ऑरेंज कलर में इसको पेंट किया जाता है सूरज की रोशनी के साथ रिप्रेजेंट करने के लिए। इन मंगोलिया में नोमैड फैमिलीज लिव इन दीज गर्ड्स, और जो वहाँ के रहायशी लोग हैं, नोमैड लोग यानी कि वहाँ के बाशिंदे जो हैं, वो इन गर्ड्स में रहते हैं। नोमैड्स आर हर्डिंग पीपल, हर्डिंग पीपल मतलब कि लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि ऐसे लोग जो ग्रुप्स में रहते हैं, हु मूव अराउंड द वेस्ट स्टेप, जो कि वेस्ट स्टेप मतलब वेरी लार्ज एरिया ऑफ प्लेन्स, जो कि प्लेन एरियाज में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। एज दे लुक आफ्टर देयर हॉर्स एंड शीप्स, और वो फिर अपने घोड़ों और भेड़ों की हिफाजत करते हैं। इन मंगोलिया द पीपल हैव टू मूव अराउंड टू फाइंड फूड फॉर देयर एनिमल्स, और लोगों को वहाँ से यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है अपनी खुराक के लिए और अपने एनिमल्स के लिए। बिकॉज इन विंटर लार्ज एरियाज ऑफ द स्टेप आर कवर्ड बाई स्नो एंड द एनिमल्स फूड सोर्स इज ऑब्लिटरेटेड, और तो क्योंकि वहाँ पर सर्दियों में इनके प्लेन एरियाज में वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो एरिया जो है बहुत सारे एरिया स्नो से कवर हो जाता है, और एनिमल्स के लिए वहाँ पर खुराक के जो ज़राए हैं वो तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इन साइड इसके अलावा ये दूसरी तरफ द गेट इज़ अ लार्ज कूजी सर्कुलर होम, कुजी मतलब कंफर्टेबल कार टाइप का एक घर होता है सर्कुलर। देर इज सीटिंग ऑल अराउंड द एज, और तकरीबन हर किनारे इनके बिल्कुल गोल किनारों में वहाँ पे सीटिंग की होती है। कवर्ड विद रग्स, और इनको स्मॉल कारपेट के साथ कवर किया होता है, एंड कुशंस, और इसमें कुशन लगाए गए होते हैं। एंड वुवन वुलन रग्स इन रिच ब्राइट कलर्स ऑन द वॉल्स कीप आउट द बाइटिंग गिल्ट फिट विंड एंड स्नो, और वुवन यानी कि पश्चिम के या वुलन के बुने हुए जो रग्स होते हैं, कारपेट्स होते हैं, बहुत गहरे रंगों के, वो दीवारों पे लटकाए होते हैं ताकि वो बाहर से आने वाली हवा या बर्फबारी को रोक सकें। द विंड इज़ पर्टिकुलरली बिटर एज इट सेचिस अक्रॉस द एम्प्टी स्टीप, और आने वाली हवा जो होती है वो तकरीबन बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, क्योंकि वो प्लेन से, खाली प्लेन यानी कि उन प्लेन्स बिल्कुल प्लेन इलाका होता है ना, वहाँ पर कोई दरख्त वगैरह होते हैं, एक सहरा का इलाका होता है, तो आने वाली हवा बहुत सख्त होती है और ठंडी होती है, इसलिए वो बहुत बिटर होती है मतलब शदीद तरीन होती है। इन द रूफ छत पे थ्रू द स्किन्स एंड फेल्ट इट इज़ द होल टू लेट आउट द स्मोक फ्राम द स्टोव वेयर ऑल द कुकिंग इज़ डन, और उनकी छत पर क्या किया जाता है कि स्किन्स लगाई जाती है, एनिमल स्किन्स होती हैं, फेल्ट ऐसे ही होता है कि वहाँ पर स्किन लगी हुई है, बिल्कुल बंद है, लेकिन वहाँ पे एक होल भी होता है जो कि बिल्कुल जहाँ पे खाना बनाया जा रहा होता है वहाँ पे वो लगाया जाता है चूल्हे के नीचे, ताकि वहाँ से जो धुआं है वो सारा बाहर निकाला जा सके। द नोमैड्स ईट मीट, वो गोश्त खाते हैं वहाँ के बाशिंदे। व्हेन दे हैव अ सक्सेसफुल हंट, जब मतलब कामयाब शिकार करते हैं इधर उधर से, तो वो गोश्त खाते हैं। एंड मेक योगर्ट विद द मिल्क फ्राम देयर ईव्स, और फिर वो मतलब कि दही लगाते हैं जो अपने फीमेल शीप होती हैं, एव्स मतलब फीमेल शीप्स के दूध से वो दही लगाते हैं। दे ब्रीड एक्सीलेंट हॉर्सेज, और वो बहुत कमाल के घोड़े जो हैं वो ब्रीड करते हैं, विच दे प्राइज एज हाईली एज देयर वाइफ्स। दे आर स्किल्ड हॉर्समैन एंड लिटिल बॉयज राइड बेयर बैक एट ग्रेट स्पीड फ्राम एन एक्सट्रीमली यंग एज, और वहाँ पर घोड़ा का यानी कि घोड़सवारी के जो होते हैं गुर होते हैं वो सिखाए जाते हैं, और छोटे लड़कों को उनके बेयर बैक मतलब कि कोई सीटिंग वगैरह नहीं होती घोड़ों की बैक पे, वहाँ पे उनको बिठाया जाता है और उनको एक ग्रेट स्पीड यानी कि हाईली स्पीड पे उनको एक्सट्रीमली एज पे उनको इस चीज़ का घुड़सवारी का सवार बनाया जाता है, उनको सिखाया जाता है घुड़सवारी करना। नाउ वी हैव क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड्स मीनिंग। Now first we have words meaning of Venus, a city of water, our first part of unit number 3, separated, apart, fairies, name of bot, echoes, a sound which is caused by sound waves,
treasure, large amount of valuable objects, stunning, very beautiful, crowd, a large number of people, devastating, destructive, damaged, spoiled, protecting, prevent or save. And last is predict, any assume. Now we have words meaning of street children of Brazil. This is the second part of the unit number 3, street children of Brazil. We have words meaning obvious, clear, frequently, often, genetic, very big or large, hiding, large group of people, obliterated, destroyed, rugs, small carpet, apes, female sheep, violent, forceful or powerful. This was your words meaning of two parts. Now we have question answer of Venice, a city of water. Our first question is, why is a city of water an appropriate name for Venice? Answer is, because it is a city of water built on 118 small islands separated by canals and joined by bridges. Why are gondoliers essential to Venetians? Because they paddle the gondoliers across the crowded water and they are famous for their singing. Question number 3, explain some of the problems faced by the city authorities in Venice. Answer is, the city authorities limit the number of tourists allowed to enter in order to ease congestions. They also face the flood problems time to time. Now we have question answer of street children in Brazil. Question number 1 is, what is social inequality? Give example from Brazil and from your country. Answer is, social inequality means the difference in status, resources and income. In Brazil, some people are rich and some people are poor. Many people have no jobs. Some problems are found in our country. Question number 2, explain the factor which contribute to the poverty in Brazil. In Brazil, people have no jobs and are illiterate. Children live in street without any shelters. They have not enough money to buy things. Question number 3, why is the problem of street children is growing? Because of poverty, children are homeless in Brazil. They are compelled to begging in street. Compelled matlab majboor hain. Question number 4, how do the attitude of authorities of the Venice and Brazil towards problem in the cities differ? Answer is, in Venice, the authorities are trying to find the way of protecting the cities, but in Brazil, the authorities are not helping people. Now we have answer question of our last part of unit number 3, living in a ghetto in Mongolia. Question number 1, how is a ghetto constructed to suit climate and the nomad's way of life? A ghetto is a circular tent. It is a very large but lightweight wooden structure covered in animal skin and from a thick material made from wool. In a ghetto, there is seating all around the edges covered with rags and cushions. Question number 2, why are Mongolian people forced to be nomads? In Mongolia, the people have to move around to find food for their animals because in winter large area of the steppe are covered by snow and the source of animal food is destroyed. This was your answer question of your 3 parts of unit number 3. Make sure to learn it very well and also write it in your notebooks with word meaning and answer question. Thank you.